बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी आपका राशिफल। इस राशिफल में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल की, साथ ही साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार कुछ सरल उपाय, राशि अनुसार ही आपका शुभंग और शुभ रंग भी, पंचांग बताएंगे, दिन का हाल बताएंगे और राशिफल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर कर देगा। तो चलिए अब राशिफल की शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ में। तो दिन है रविवार का, तारीख है 22 मई 2022, ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी पर चंद्रमा मकर राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ दिशा रहेगी अग्नय, राहु काल रहेगा शाम को 5:26 से लेकर शाम को 7:09 तक, द्विपुष्कर योग रहेगा सुबह 5:27 से लेकर के दोपहर को 12:59 तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:16 से लेकर के 9:16 तक। और विशेष क्या है, मातंग योग है, भानु सप्तमी और कालाष्टमी है, सूर्यदेव का विशेष दिन है, बड़ा खास दिन। और हम आपको बताएंगे विशेष उपाय में कि सूर्यदेव की कृपा से कैसे हर काम में जीत मिलेगी आपको, उसके लिए राशिफल आपको आखिर तक देखना पड़ेगा। तो चलिए अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। राशि नंबर 1 मेष यानी कि एरीज के साथ में, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, घरेलू काम आसानी से पूरे होंगे, बुजुर्गों की सलाह से कारोबारी लाभ होगा, परिवार में शुभ काम की योजना बनाएंगे। उपाय ये करें कि किसी गरीब को लाल कपड़ा दान करें। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, मनोबल में कमी आएगी, नए लोगों से भेंट होगी, संतान के प्रति कर्तव्य पूरा करेंगे, दोस्तों से कर्ज लेना पड़ेगा। उपाय ये करें कि घर के केंद्र में दीपक जलाएं। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाय की बात करेंगे, मन में उलझन रहेगी, स्थिर होकर फैसले लें, व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा, कारोबारी विकास के प्रस्ताव मिलेंगे, खरीदारी पर खर्च होगा। उपाय ये करें कि लाल रंग के पेन का इस्तेमाल करें। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे, कारोबार में उतार चढ़ाव रहेगा, आर्थिक स्थिति डामाडोल रहेगी, तनाव महसूस करेंगे, बुजुर्गों की मदद से राहत मिलेगी, खर्चों में वृद्धि होगी। उपाय ये करें कि पूजा घर में लाल फूल चढ़ाएं। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे, व्यापार में लाभ होगा, अजनबियों पर भरोसा करने से बचें, धोखाधड़ी के योग हैं, दाम्पत्य में मनमुटाव के योग हैं, छात्रों की पढ़ाई बेहतर रहेगी। उपाय ये करें कि गेहूं के दाने तिजोरी में रखें। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। छठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे, कारोबारी स्थिति अच्छी रहेगी, व्यवहार की लोग तारीफ करेंगे, व्यापार में नए सौदे लाभ देंगे, भाई बहन से विवाद के योग हैं, शांत बने रहें। उपाय ये करें कि तांबे के लोटे से पानी पिएं। शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। सातवीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की बात करेंगे, नई घरेलू जिम्मेदारी मिलेगी, परिजन फैसले का विरोध करेंगे, सतर्कता से लिए गए फैसले सफल रहेंगे, दूसरों के काम में दखल देने से बचें। उपाय ये करें कि घर की पूर्व दिशा में दीप जलाएं। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे, मेहनत का फल मिलेगा, यात्रा के योग हैं, लेन देन सफल रहेगी, छात्रों की पढ़ाई में सफलता मिलेगी, पुराने घरेलू विवाद से परेशान रहेंगे। उपाय ये करें कि किसी भिखारी को गुड़दान करें। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। नवी राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की बात करेंगे, व्यापार के विकास के लिए कर्ज लेंगे, मन शांत रहेगा, पैतृक संपत्ति संबंधित मामले निपटेंगे, संतान की चिंता रहेगी, पेट के रोग परेशान करेंगे। उपाय ये करें कि किसी गरीब को सेब दान करें। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे, घरेलू काम पूरे होंगे, व्यवहार चिड़चिड़ा रहेगा, मन में उथल पुथल रहेगी, संपत्ति संबंधित विवाद के योग हैं, लंबित काम में मित्र मदद करेंगे। उपाय ये करें कि धर्मस्थल में लाल फूल चढ़ाएं। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे, सेहत सुधरेगी, परिजन की मदद करेंगे, संपत्ति में निवेश करेंगे, आर्थिक मसले सुलझेंगे, मित्रों के साथ में पार्टी करेंगे, प्रेम जीवन अशांत रहेगा। उपाय ये करें कि बरगद के पेड़ पर जायफल चढ़ाएं। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। बारहवीं राशि मीन यानी पाइसिस की बात करेंगे, बड़ा कारोबारी लाभ होगा, घरेलू खास काम पूरे होंगे, रिश्तेदारों से मतभेद रहेंगे, नेत्र विकार परेशान करेंगे, शाम जीवन के साथी के साथ में बिताएंगे। उपाय ये करेंगे पूर्व मुखी होकर पूजा पाठ करें। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। तो दोस्तों अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो हर काम में आपको जीत दिला दे कि बड़ा विशेष दिन है, रविवार का दिन है और उस दिन सप्तमी तिथि है, इसलिए विशेष रूप से
सूर्य सप्तमी यानी कि भानु सप्तमी का योग बन गया है, और ऐसे में विशेष सूर्य के निमित्त जो यह पर्व का निर्माण होता है, और इसकी महत्वता जो है वो सूर्य ग्रहण के समान प्रभावशाली कहलाई गई है। और इस पूरे प्रयोग में विशेष रूप से आपको सूर्यदेव का पूजन करना है, और क्या करना है आपको, शुद्ध घी में रोली मिलाकर सूर्यदेव के निमित्त दीपक जलाना है, और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करना है, ओम जय भद्राय नमः। भद्र का मतलब होता है सुंदर, खूबसूरत, तो और कंप्लीशन, और जय भद्राय का मतलब जिसमें जीत मिलती है, तो ओम जय भद्राय नमः इसका जाप करें। आश्वस्त करता हूँ आपको हर काम में निश्चित जीत मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।